Alright guys, a very very warm welcome for this video and the biggest mock test, online mock test was conducted by MathOnGo and actually you guys made it possible that it is actually the biggest. अभी तक हम लोग सोचते थे यार biggest होगा but actually you guys made it way better, way bigger than what we guys expected. हमारा expectation था कि हम 10,000 बच्चों के साथ paper conduct कराएं. क्यों? बहुत वैलिड था क्योंकि हमारा जो AIMOT प्लेटफॉर्म है उस पर हमें 5,000 to 7,000 के बीच में बच्चे मिलते थे. हमारा एक्सपेक्टेशन था कि क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स का है और पेपर बहुत नजदीक है तो वी माइट गेट समथिंग अराउंड 10,000 to 12,000 बच्चे हमारे टेस्ट में आ जाएंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन वॉज. बट यू गाइस प्रूव इट लॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू हु रोट द टेस्ट, हु पब्लिसाइज द टेस्ट. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आई नो एक्चुअली पब्लिसाइज द test in their classrooms, in their tuition centers, coaching centers. Really guys, thanks a lot from the bottom of our heart. We at MathOnGo are really, really so much thankful to you because aapke liye nahi tha sirf ye learning lesson, it was a learning lesson for us. Pehli baar hume JEE mains ya NTA walon ke liye bahut pyar tha. Kyun main batata hu abhi tum logon ko. This is the staggering figure that 18,274 people, students took the test. Isn't that by far huge? मुझे नहीं पता दूसरी जगह क्या होता है but यार honestly speaking we guys never expected this figure. And why it is a very high learning curve? तो हमें पहली बार रियलाइज हुआ यार जब JEE mains को रिजल्ट डिस्प्ले करना होता है 10,00,000 students का why they do take time? Why कि यार बहुत क्लोज environment में बहुत strict restrictions. Why there is no helpline number? Honestly speaking, पहली बार हमें realize हुआ जब 18,000 बच्चों ने test दिया हमारा inbox भरा हुआ है. हमारे को Gmail को update करना पड़ा, paid user बना बना के अपने उसके level of tiering ऊपर करनी पड़ी. ठीक है, वेरी स्मॉल कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है. ठीक है, हमें पहली बार इतने मास लेवल पे हमारा जो चैट बॉट था वो फुल पड़ा है, हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं. कई लोगों का पेपर अटक गया था एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने खुद पर्सनली लोगों को कॉल कर करके पूछा, टीम की हेल्प करी कि यार पेपर सबमिट कराओ क्योंकि इतनी ज्यादा क्वेरी है यार हम लोग हैंडल ही नहीं कर पा रहे. तो जस्ट इमेजिन JEE mains के ऊपर कितना प्रेशर होगा. हमने डिक्लेयर करना था रिजल्ट 2 दिन बाद, इतनी ज्यादा एंट्रीज, इतने ज्यादा एज केसेस होते हैं कि कई की भाई बच्चे का रिजल्ट अटका पड़ा है, हमारे पास आ गया है अटका पड़ा है, उसके कंप्यूटर पे उसके कैशियर में अटका पड़ा है रिजल्ट, हमें वहां से फेच करना है. एजुकेशन इतने सारे बने कि हमें लिटरली फॉर द लास्ट 3 डेज ईच मेंबर ऑफ द MathOnGo टीम हैज वर्कड मोर देन 18 आवर्स. यस, वी गाइस हैव वर्कड मोर देन 18 आवर्स अ डे जस्ट टू गेट रिजल्ट टुडे. प्लीज गाइस, एंड वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट. सो पीपल हु आर आस्किंग फॉर वन मोर, वी एक्चुअली स्पेंट, दिस इज द सर्वर कॉस्ट, 1,10,000 रुपए की सर्वर कॉस्ट लगी हमारी विच वी विल नाउ ट्राई टू इम्प्रूव. हम ये तुम्हारे ऊपर नहीं थोप रहे हैं गाइस, वी बिलीव हमारे लिए अचीवमेंट है कि हमारी टेक टीम ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसको 2 दिन में इतना रुपया AWS सर्वर पे लग गया एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. व्हाई? बिकॉज आप जब आगे जाओगे ना लाइफ में यू गाइस विल गेट टू नो कि अगर आपकी कई बार चीजें काम करती है ना बड़े स्केल पे तो आपको मजा आता है, फन आता है, वो फन एलिमेंट होता है एंड वी गाइस आर वेरी हैप्पी टू स्पेंड दिस अमाउंट. नो वी नो दैट दिस कुड बी रिड्यूस. ऐसा नहीं है कि ये तुम लोगों की वजह से स्पेंड हुआ है. वी विल नाउ इम्प्रूव आवरसेल्फ ऑन अ टेक्नोलॉजी फ्रंट ऑल्सो, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड नहीं था यार कि इतना वर्कलोड आ जाएगा, तो हमने उस तरीके से सर्वर को प्लान आउट नहीं करा था. तो नाउ विद इन 2 डेज आर टीम हेल लॉट ऑफ थिंग्स वर लर्नड अबाउट AWS सर्वर, हाउ इट कैन बी ऑप्टिमाइज फर्दर, हाउ वी कैन टेक सर्वर इन प्री एडवांस, लॉट ऑफ थिंग्स वी गाइस लर्नड सो दैट वी कैन रिड्यूस दिस कॉस्ट. बट वी आर ट्रिमेंडसली हैप्पी टू स्पेंड दिस अमाउंट बिकॉज नॉट जस्ट कि एक हमें इस फिगर से ज्यादा प्यार है, प्लस ये फिगर रुपयों में हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट इट इज अ ह्यूज लर्निंग कर्व फॉर अस कि यार हमारा इतना कुछ बना पाए जो स्पेंड कर रहा है. राइट, सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट दिस इज वेयर योर पेज विल लुक लाइक एट 6 PM, जस्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट. अभी मेरे पे यहां पर आ रहा है चेक योर रिजल्ट वाला जो पेज, हाईलाइटेड बटन नहीं है. आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे यू विल बी टेकन टू योर डैशबोर्ड. आपको वही ईमेल आईडी लॉगिन करना है जो आपने ईमेल आईडी से जिससे टेस्ट दिया था. तो यू विल बी गिवन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन वेयर अगेन इट विल बी रिटन 18,274 स्टूडेंट्स टेक द AYJR. यू कैन क्लिक ऑन द वीडियो सॉल्यूशंस, यू कैन रिव्यू योर स्कोर कार्ड, दिस इज द स्कोर कार्ड ऑप्शन,
and this is where the fun lies. This is the detailed report card. Detailed report card is the 12-page report that we generally give on our Quizzer platform that we guys are giving. I have integrated it here as well. So, you can see your scorecard. In the scorecard, we guys have now come up with something new, that is percentile also. Since itne zyada bachchon ne test de diya, to ab hum percentile bhi nikal sakte hain. So, though that percentile thoda sa up and down rahega, please do not take that percentile as I do not myself nahi bata sakta ki kitna accurate hoga, kyunki percentile varies, right? It's a sessional thing. और अब मुझे समझ में और बेटर आ रहा है कि जब हम इतने ज्यादा क्राउड के साथ पेपर लेते हैं तो हमें एबनॉर्मलिटी दिखती है. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल सिर्फ अगर मैं तुम्हें पेज दिखाता हूं, यहां देखो हमने सम फन फैक्ट्स दिखे. एक होता है कि हम स्टैट्स दिखाएं, स्टैट्स के दिखा के क्या करना है यार. ठीक है, तो हमने कहा फन फैक्ट्स, ओनली 85 स्टूडेंट स्कोर मोर देन 200 मार्क्स आउट ऑफ दिस स्टैगरिंग फिगर. कैन यू गाइस इमेजिन, नोबडी स्कोर्ड अ परफेक्ट 100 इन केमिस्ट्री. माइट बी देयर वुड बी अ बोनस, हो सकता है गलत हो, ये भी सब है, हो सकता है, बट हम वो फैक्ट्स बता रहे हैं जो हमारे सर्वर ने ऑब्जर्व करे. मोस्ट कॉमन स्कोर वाज 53 मार्क्स ओवरऑल 250. मेरे ख्याल से मुझे अगर सही याद है तो शुद्ध कुछ 500 बच्चों का 53 स्कोर है, विच इज सरप्राइजिंग टू अस. 804 पीपल स्कोर नेगेटिव मार्क्स. कुछ लोग होते हैं जो टेस्टिंग के लिए आते हैं, कुछ लोगों का जेन्युइनली आया पता नहीं, पर 804 लोगों का नेगेटिव में स्कोर है. सो दिस वर सम इंटरेस्टिंग फन फैक्ट्स विच वी फाउंड एट आर प्लेटफॉर्म. Again, we are saying it is something new for us as well. But we were able to generate percentile based on this particular mechanism. So, हमारा जैसे अगर हम 100 स्कोर पे देखें तो 100 स्कोर पे हमें पता चला 88 परसेंटाइल हमारे प्लेटफॉर्म जनरेट कर रहा है. बट इट माइट बी पॉसिबल कि इस पे ज्यादा आपकी परसेंटाइल बने लास्ट डे पे. सो प्लीज डू नॉट टेक इट टू हेड, इट वॉज जस्ट अ टेस्ट, बट इट गिव्स यू अ गुड प्लेटफॉर्म टू सी वेयर यू स्टैंड. सो इन दिस स्कोर कार्ड यू विल गेट ऑल दी ऑप्शन, यू विल गेट योर सीआरएल कॉमन रैंक लिस्ट. Out of those 18,000, you will get your percentile, you will get your score, individual score, and also you will get the topper. Topper ke kitne marks hai? So topper has actually scored 296. Ab isme bhi bahut sare logon ka pressure hai ki sir wo real nahi tha, wo cheating kari thi. Yeah, it is just an exam. Relax. Hame do din se na bachchon ne jaan kha li hai ki yaar sir result kab aayega. Arey yaar result mentioned hai. Please at least website to visit kara karo. साफ साफ लिखा 31st को आएगा, 31st को शिफ्ट कर दिया. क्यों कर रहे हो सर, क्यों कर रहे हो, रोना शुरू कर देते बच्चों की तरह. अरे 18 साल के मैच्योर्ड एडल्ट हो गए हो, इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या करते हैं. बट आर इंटेंशन वॉज नॉट जस्ट टू मेक इट अ बिगेस्ट टेस्ट, अनदर इंटेंशन वॉज कि आप लोगों को एक रियल एनवायरमेंट मिले. तो अब आप बिल्कुल एक एग्जैक्ट पेपर जैसा आएगा वैसा पेपर देके आ गए हो. तो अब आपको प्लेटफॉर्म पे नई चीजें देखने को नहीं मिलेंगी फाइनल डे पे. सो यू आर मच बेटर प्रिपेयर्ड. आई एम स्टिल नॉट श्योर कि हाँ कंटेंट हो सकता है यार 19-20 रहा, हमारे में भी कुछ ना कुछ गलतियां रहेंगी. हम उस पर बहस नहीं करना चाह रहे हैं. हमारा टारगेट था आपको एक रियल होलिस्टिक एनवायरमेंट देने का. एंड सिंस यू गाइज मेड इट दैट बिग, एक और अच्छा एनवायरमेंट मिला. हमें भी समझ में आया कि कितनी एंग्जाइटी होती है रिजल्ट को लेकर. एंड आई विल नाउ मेक इट वेरी क्लियर, यार इतनी एंग्जाइटी गलत है. It is just a bloody hell test. Even if it is JEE Mains, it's a bloody hell test. Just a test. So you guys have to relax. Do not take it to head ki mera score pe itna percentile aa raha hai, mera ye ho gaya, mera wo ho gaya. These are just normal test. Right? Take it as a test and move ahead. But now you get a very realistic picture. Kahi bachche kya honge? Abhi comment mein likhna shuru kar denge. Sir, wo bonus marks aane chahiye, sir, wo galat question tha. Are yaar, tumne kabhi, acha, tum just ek imagine karo scenario. Har bande ki class mein aise bachche hote the jo आधा आधा नंबर बढ़ाने के लिए अपने टीचर के पास अपनी आंसर शीट लेके जाते थे. तुमने क्या कहते थे पीछे से बैठ के, सोच लो वो वर्ड. तो अगर तुम ये कमेंट कर रहे हो अभी कि मेरा ये बोनस मार्क्स था, तो तुम भी वही हो. तुम जब उसी बच्चे को क्लास में कुछ बोलते हो और वही हरकत खुद करते हो और एक्सपेक्ट करते हो तुम्हें कुछ ना बोला जाए, इजंट दैट फॉल्ट गाइस? जस्ट टेक इट एज अ टेस्ट, एंड इफ इट इज रॉन्ग देन इट इज रॉन्ग फॉर एवरीवन. व्हाई यू हैव टू क्रिएट अ ह्यू एंड क्राई? चार मार्क्स तुम्हारे बढ़ेंगे तो चार मार्क्स सारी दुनिया के भी तो बढ़ेंगे. परसेंटाइल का फायदा ही यही है, परसेंटाइल सबको वापस वहीं पर खड़ा कर देगी. सो हो सकता है 19-20 वहां पर भी फर्क पड़ जाए, इसमें भी लोग घुसेंगे, हमें मैथ सिखाएंगे. कई बच्चे हमें बोल रहे सर मार्केटिंग गिमिक है, सर मार्केटिंग गिमिक, अब आप क्या करोगे, टेस्ट बेचोगे? अरे यार, अगर मुझे पहली बार टेस्ट बेचना होता तो मैं पहली चीज क्या करता, मैं इसको अपने मैथोनबो की ऐप के अंदर करता, ऐप के डाउनलोड बढ़ाता. हमने नहीं करा, हमने ओपन प्लेटफॉर्म रखा. फिर हम क्या कहते, अपना एडमिट कार्ड डाल दो यार, एडमिट कार्ड डालोगे 25% ऑफ मिलेगा.
हम वो नहीं कर रहे, हम रिजल्ट के साथ साथ क्या बोलते, अभी ज्वाइन कर लो टेस्ट सीरीज, अभी ज्वाइन कर लो हमारा ये वाला प्रोग्राम तो आपको हम और डिस्काउंट देंगे। हम फिर से ये कोई बात नहीं बोल रहे। और जो ये बच्चे बात सोचते हैं कि इट्स अ मार्केटिंग गिमिक, वो एक बात भूल गए कि हम लोग AIMOT ले रहे हैं, ऑल इंडिया मैथोंगो ओपन टेस्ट, हर संडे ले रहे थे और हमने कम से कम 30 संडेज को वो टेस्ट लिया, दैट वॉज कंप्लीटली फ्री। उसमें कोई इंटेंशन नहीं थी सामान बेचने की किसी को भी, और इनफैक्ट हम प्राइजेस देते थे। अब दूसरा एक और बच्चा हमें आके बोलता है, सर रेजोनेंस वाले बेटर हैं, वो अपना ये करते हैं वो करते हैं, तो मार्केटिंग कर रहे हैं आप। अगर मेरा एक सिंपल सवाल उन बच्चों से वो भी शांत करने के लिए, अगर मुझे इस टेस्ट के रिजल्ट से फोटो छापनी होती, रिजल्ट छापनी होती, बहुत होता है ना तो फिटजी के टेस्ट में आप एनरोल हो गए तो आपका रिजल्ट छाप देंगे, फोटो ले लेंगे। हैव वी गाइस आस्क्ड यू फॉर योर फोटो? नेवर। हैव वी आस्क्ड यू फॉर योर जेईई मेंस एप्लीकेशन कार्ड? नहीं मांगा हमने। यार तो फिर क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को, कौन सी मार्केटिंग कर रहे हैं? और फॉर दो स्टूडेंट्स हू थिंक दैट वी गाइस आर डूइंग मार्केटिंग, मैं NSIT कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट, आई एम अहमदाबाद का पढ़ा हुआ, मुझे मार्केटिंग नहीं आती होगी, तुम्हें मार्केटिंग आती है, तुम 12th के बच्चे हो। एंड दैट इज वेरी क्रूअल आंसर, आई नो बुरा लगेगा सुनने में, सोचो हमें कितना बुरा लगता है, हमें लोग समझा रहे हैं, पापा ज्ञान बांट रहे हैं, हमें नहीं बांटना चाहिए। लेट्स टेक इट रिलैक्स गाइस, दिस इज बार बार देखो मेरी स्लाइड भी भाग रही है आगे, वो कह रही है यार खत्म करो, टेस्ट था हो गया, आपको एक्सपीरियंस मिला कि रियल टेस्ट कैसा होता है, इस तरीके का रियल डैशबोर्ड होता है, आपको डिटेल्ड रिपोर्ट मिल रही है, आप जाओ अपने टेस्ट को एनालाइज करो, हो सकता है हमारी तरफ से गलती हुई हो, एंड वी आर रियली सॉरी फॉर इट। ठीक है होगा, अब 18,000 लोग टेस्ट देंगे, कईयों का सबमिट नहीं हुआ, हमने फोन पे भी बहुत सारे बच्चों को पकड़ा, कम से कम 400-500 लोगों का हमने टेस्ट बाद में सबमिट कराया है, फिर भी हो सकता है कई लोग बच गए हो, 50 बच्चे बच गए जिनका नहीं हो पाया सबमिट। वी आर रियली सॉरी गाइज, वी आर रियली सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, हमें पता है यार वो 3 घंटे आपके लिए कितने प्रेशियस थे, बट वी गाइज कुड नॉट डू एनीथिंग, राइट, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो रोग रह गए। So I would still say, relax, it's just an exam. Go out, check the detailed report card and you guys will be able to see that. And before I end the session, very, very happy new year. I just hope all of you get a very, very deserving result in the January or in the April. But it has to be deserving. Hum luck ki baat kahi nahi karte. Hamara manna hai that if you guys are deserving enough, you guys should get what you deserve. All right, guys. Best of luck, best wishes, and happy new year once again from the entire Mathon team.